whatever recommendations are there in the IRC 37, people are tending to sort of misinterpret the code at times. I'm generally concentrating on those aspects. कुछ पूछना है आप लोगों को तो लिख के रखिए, हम जरूर आंसर करेंगे लंच के बाद. कई न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव इसका हेडिंग इसलिए रखे थे. ये आईआरसी 37 का पर्पस ये था, परपेचुअल पेमेंट वाज वन साइड. जो पेमेंट डिज़ाइन है हमारा क्या था, कन्वेंशनल मटेरियल यूज़ करके करना था, उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है. पहाड़ हम लोग हरियाणा में गुड़गांव के आगे हाफ माउंटेन भी दिखेगा आपको, सब एग्रीगेट निकाल दिया हम लोगों ने. फ्यूचर पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं रख के जा रहे हैं, वो गाली देंगे हमको. नहीं, हम लोग वी आर डूइंग इनजस्टिस टू द फ्यूचर. पानी को ख़त्म कर दिया, अच्छे मिट्टी को ख़त्म कर दिया. 20,000 साल लगता है मिट्टी बनने में. दैट इज़ वाई वी आर रिकमेंडिंग फ्लाई ऐश. जितने इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं आईआरसी की तरफ से, मैंने खुद वार्म एस्ट वर्ल्ड का कोड लिया, देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन. वेस्ट प्लास्टिक का कोड भी मैंने करवाया, लॉट ऑफ ऑपोजिशन. आईआरसी 120 दैट इज रिसाइकल इंस्टीट्यूट एंड वार्म, उसका भी मैं ज़बरदस्ती कराया. ऑपोजिशन ऑलवेज रहता है, आईआरसी में हम लोग सब झगड़ते भी हैं, उसको मूव फॉरवर्ड भी करते हैं. तो इस बट नए तकनीक से क्या होता है, जैसे विदुर ने कहा जियो टेक्सटाइल के बारे में, क्यों डाल रहे हैं, थिकनेस को कम करना, कई चीज़ें हैं नेचुरल. जैसे सैंड, आजकल रिवर सैंड कहीं अवेलेबल नहीं है. रिवर सैंड आप बिटुमन में नहीं यूज़ कर सकते, पर कंक्रीट में यूज़ करिए तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देगा. क्रस्ट जो आपका एग्रीगेट, क्रस्ट एग्रीगेट से जो डस्ट होता है उसको यूज़ करिएगा, सीमेंट में क्रैक आ जाएगा, उसको धोना चाहिए प्रॉपरली. तो इसीलिए मेंट फॉर ईच अदर कुछ नहीं है, हमको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है मटेरियल. इसका इमीडिएटली नए टेक्नोलॉजीज का ही आ गया, मेंटेनेंस का, माइक्रो सर्फेसिंग, फिर पोरस कंक्रीट, देन हाइब्रिड जियो टेक्सटाइल, स्टोन मैस्टिक एसफॉल्ट, सॉइल स्टेबलाइजर, हॉट रिसाइकलिंग, कोल्ड रिसाइकलिंग. अब मैं जल्दी जल्दी पूछ करता हूँ. रेजिलेंट मॉडल्स अपग्रेड के मैं डायरेक्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ. रेजिलेंट मॉडल्स में विदुर ने ऑलरेडी बताया कि एक जगह 28 CBR का सॉइल ला के यूज़ कर रहे हैं साउथ में. पेमेंट थिकनेस कितना डाल रहे हैं, लाफेबल 75 mm DBM, 40 mm BC और नीचे कुछ नहीं. तो और उसके नीचे बट ऐसे करने से तो होगा नहीं, इसीलिए आईआरसी ने आपकी क्लैम्प डाउन कर दिया 100 MSA, मीन्स 100 ampere, मीन्स सीबीआर 15. सिमिलरली ग्रैनुलर सब बेस में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमको खबर कई जगह से आया है कि आप लोग धड़ाधड़ आप लोग रैप यूज़ कर रहे हैं GSB में. प्लीज़ डोंट डू इट, हम आपको समझाएंगे कैसे करना है, मना नहीं कर रहे हम. IRC 37 में किसी ने पासिंग रेफरेंस दे दिया है जस्ट टू एनकरेज, डज नॉट मीन मिसयूज. इट डज नॉट मीन GSB रिमेन्स अ स्ट्रक्चरल कम ड्रेनेज लेयर, उसके परमिबिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो हैवक हो जाएगा. इसीलिए रैप को प्रॉपरली ट्रीट करके तभी डालिए. आप लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में, विच इज़ वेरी डेंजरस. हम उसके बारे में बात करेंगे. फिर क्रश कॉन्क्रीट, रिवर बेड, क्रश लैग, जैसे कर्व स्टोन आ रहे हैं क्रश करके डाल दो, बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको. फिर इसको बोथ लेयर्स में कर सकते हो, ड्रेनेज लेयर एंड फिल्टर लेयर. अपर ड्रेनेज लेयर होता है, नीचे का फिल्टर लेयर होता है, ताकि नीचे का अगर सॉफ्ट सॉयल है वो अंदर नहीं जाके चोक ना कर दे. इसका हम प्रेजेंटेशन दे जाएंगे, आप लोग टाइमली आराम से पढ़ के करिएगा. मेन पॉइंट्स पे स्ट्रेस कर रहे हैं हम, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका.
हाँ हाँ अच्छा थैंक यू बट पीपल आर हंग्री देखिए देवा लग रही अच्छा अच्छा क्विकली हाँ क्विकली हो जाए। अच्छा एक और चीज है ड्रेनेज एंड फिल्टर लेयर जो है इट शुड एक्सटेंड टू फुल विड्थ। वो शॉर्टकट पीएमजीएसवाई में थोड़ा सा बढ़ा के किया था उसमें भी हम ही रिस्पॉन्सिबल थे। गवर्नमेंट वांटेड टू यूज लेस एक्सपेंडिचर ऑन दिस थिंग इसीलिए थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम लोगों ने छोड़ दिया। आप लोग मेन नेशनल कॉरिडोर्स में या मेन एरियाज में स्टेट रोड्स भी मत यूज करिए मेरा ये कहना है। कमर्शियली अवेलेबल जियो टेक्सटाइल जियो कंपोजिट ये सब अवेलेबल है। RC-59 जब आ जाएगा आप लोग यूज कर सकते हैं इससे हम लोग काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। सब ग्रेड को वीक सब ग्रेड में यूज करें तो बहुत पैसा बचेगा। फिर GSB अगर डाल रहे हैं सॉइल वीक है तो उसमें क्लेई कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तो उसमें एक जियो सिंथेटिक लेयर डाल के फिर GSB डालिए अच्छा रहेगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रैनुलर सब बेस कई लोग इसको मिसयूज कर रहे थे 100 का डाल रहे थे PMGSY में 100 डालर हम भी डाल सकते हैं ऐसा मत करिए। मिनिमम 150 डालिए फ्रॉम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और एक और IRC ने इसको चेंज किया और एक और डाला है इसका जो 2.5 टाइम्स द मैक्सिमम नॉमिनल एक्सिस साइड तो मिनिमम 100 अगर करेंगे तो उसका होना चाहिए। यू हैव टू फॉलो दैट। फिर आ गया सीमेंटेशियस बेस। जहाँ सीमेंटेशियस बेस आ गया हम अशोका बिल्डकॉन को भी एडवाइजर उनका देखा जाके ये चंडीगढ़ लुधियाना इन लोग सीधा सीमेंट ट्रीटेड सब बेस डाल रहे हैं उसके ऊपर ग्रैनुलर डाल के खत्म। गुड अप्रोच देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बट यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सीमेंट ट्रीटेड सब बेस दे आर यूजिंग 2% सीमेंट 2% फ्लाई ऐश दे आर गेटिंग वेरी हाई स्ट्रेंथ 15-20 तक आ जा रहे हैं हम पर दैट्स नाइस बट यू शुड बी केयरफुल इट डजंट चोक। हमारे कोर्ट में गलती है हमने परमेबिलिटी स्पेसिफाई नहीं किया सीमेंट ट्रीटेड का एंड दैट शुड बी देयर एंड यू शुड चेक इट बिकॉज हम स्टेबलाइजेशन में बाद में आपको बताएंगे। मिनिमम थिकनेस सब बेस में 200 mm मिनिमम होना चाहिए तो इसको ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं टू बेयर विद मी टाइम कम है। फिर बेस लेयर में वाटर बोर्ड मैकेडम क्रशर रन कुछ भी यूज करें पर इसमें भी अलाउड है रैप अलाउड है बट डोंट यूज रैप विदाउट प्रोसेसिंग। हाउ टू प्रोसेस रैप उसका प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया हूँ हाउ अशोका बिल्डकॉन डज इट। थिकनेस ऑफ द ग्रैनुलर लेयर शुड नॉट बी लेस देन 150 बहुत क्लियर दिया हुआ है अनबाउंड में और ट्रीट और इसके ऊपर क्रैक रिलीफ लेयर का दो अल्टरनेटिव है। अगर हाई रेनफॉल एरिया है आई विल प्रेफर CRMB का जो लेयर डलता था जो आपके उसमें दिया हुआ है जो मिनिस्ट्री के कोड में टू प्रिवेंट क्रैक। वाई वी आर वी पुटिंग अ क्रैक रिलीफ लेयर वन हैज टू अंडरस्टैंड। क्रैक रिलीफ होता क्या है आपका स्टेबलाइज जहाँ करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उससे क्रैक्स डेवलप करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ US में 4% सीमेंट से ज़्यादा अलाउड नहीं है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है क्रैक्स आ जाते हैं एवरी 50 मीटर में एक क्रैक। बट अमेरिकन लोगों का एक चीज़ है उन लोग एक्सेप्ट करते हैं कि क्रैक हम कर रहे हैं और उसको रिपेयर कर दीजिए जब बिटुमिनस लेयर तक आ जाता है क्रैक सील कर देते हैं। हमारे यहाँ NHAI 5-year मेंटेनेंस एंड ऑल दीज क्लॉजेज विच विदुर वाज टेलिंग उसमें शायद क्रैक को ना एक्सेप्ट करें। LNT का एक केस हुआ है आपका गुजरात के आसपास वहाँ भी एवरी 50 मीटर एक क्रैक है
हमारे गुरुजी पांडे जी जो थे वो देख के आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई एवरी 50-100 meters में ट्रांसवर्स क्रैक आ रहा है, तो इस कारण इसको रोकने के लिए हम लोग एक क्रैक रिलीव कमिटी में जब डिसाइड हो रहा था तब एक मेंबर ने फॉर्मर डीजी है वो भी ऑब्जेक्ट किए कि ये क्रैश जो दे रहे हो बारिश वाले जगह में पानी जाएगा अंदर से, दैट इज अ वेरी वैलिड एक्सप्लेनेशन, जाता है, हमने एक जगह देखा है फेल होते भी। तो आप लोग जब डालेंगे सोच के करिएगा, क्रम रबर डाल के उसके साथ चिपिंग्स डाल के दैट इज अ गुड क्रैक प्रिवेंशन है। थिकनेस ऑफ दिस ये कम से कम 150 ये तो बोल दिया, हम खाली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डील कर रहे हैं पर ज़्यादा डिस्कस। इसमें भी सीमेंट फिट बेस में देखिए दे अलाउड एवरीथिंग। अरे उस दिन वन ऑफ द एडवाइजर्स टू हरियाणा गवर्नमेंट वॉज एडवाइजिंग मी इन टर्न व्हाट इज रॉन्ग, सब झोंको उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, IRC 37 ने बोल दिया। अरे IRC 37 इज नॉट बाइबल, मिदुर इज ऑलरेडी टोल्ड स्पेसिफिकेशन को देखना चाहिए, परमिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं कि नहीं। और सबसे खतरनाक जो है आपका 6.3 mm पासिंग मटेरियल जो है वो GSB को चोक करता है, उसको फिल्टर करके हम अशोका में निकाल देते हैं, उसको डालते रहते थोड़ा थोड़ा जब एज पर द डिज़ाइन, हम ग्रेडिंग को डिस्टर्ब नहीं करते, रैप यूज़ करते हैं बट ग्रेडिंग वी डोंट डिस्टर्ब। एज अ मटरेट हम BC में 50% तक रैप जा रहे हैं डबल बैरल प्लांट में, बट लॉट ऑफ एक्सपर्टीज गोज इनटू इट, आई विल डिस्कस। फ्लेक्सरल सेन तो विदुर ने सब बोल दिया है, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब बिटुमेन मेंशन फोम बिटुमेन ट्रीटेड रैप बेस, ये रैप इतना निकल रहा है आजकल 4 lane से जब 6 lane कर रहे हैं तो पूरा रैप जहाँ जाएगा पहाड़ बना के रखना पड़ता है, तो उसको भी फोम बिटुमेन से कई जगह पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड बहुत कन्वीनियंटली उसको कर सकते हैं इन सिटू रिसाइकलिंग करके। फोम बिटुमेन होता क्या है, एक तरफ से 160 डिग्री गर्म बिटुमेन आता है, एक चैम्बर में आता है, मशीन में ही होता है इन सिटू, और एक तरफ से कंप्रेस्ड एयर आता है और एक तरफ से ठंडा पानी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ड्रम में जब पानी होता है, ड्रम काटते थे हम लोग, झाग निकलता था, इट इज़ समथिंग लाइक दैट, बट अंडर कंप्रेस सिचुएशन 800 to 900 times वो करता है, एक्सपैंड करता है, सो दैट इज़ द फोमिंग दैट वी ऐड टू इंस्टीट्यूट। जो रैप को आपको काट रही मशीन इंस्टीट्यूट उसमें मिक्स कर जाती है, इसके लिए एक प्रॉपर लेबॉरेटरी WR10 बोल के इंस्टीट्यूट लैब में करने के लिए विटगेन वालों का है, उसमें डिज़ाइन करके तब किया जाता है। सीमेंट भी ऐड करते हैं, सीमेंट को पहले डाल देते हैं सरफेस के ऊपर, उसका रैप का फोम बिटुमेन के साथ मिक्स करके चेंबर में डालता है, ले करता रहता है मशीन, जो स्टेबलाइजिंग के लिए इक्विपमेंट है इंस्टीट्यूट स्टेबलाइजेशन की, वो इसमें एक्चुअली ITS वगैरह इन लोग हम लोग चेक करते हैं, ITS चेक करके। ITS में हमारे गुरुजी के साथ बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उन्होंने अल्टीमेटली 600 से बढ़ा के 800 किया। प्रोफेसर राजीव मलिक जो US में मैक्सिमम काम किए वो थे, प्रोफेसर वीर राघवन से हम लोगों को बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ बट गुरुजी नहीं माने, गुरु के साथ ज़्यादा तो नहीं बोल सकते ना, कहीं पे चुप हो जाना पड़ता है, गुरुजी पे जो बोले करने दो हम चुप, बट गुरुजी पार्शियली भी गलत नहीं थे। गुरुजी ये कह रहे थे कि कुछ दिन बाद अगर क्रैक्स आ जाएंगे तब क्या होगा, लाइफ जब ख़त्म हो जाएगा तब क्रैक्स आएगा, तो वो प्रिकॉशन ले रहे थे कि 800 दे दो। अच्छा बिटुमिनस लेंस में ये नए टेक्नोलॉजी आए, स्टोन मैस्टिक एसफॉल्ट गैप ग्रेडेड रबराइज्ड बिटुमिन। आजकल हमारे एक अमेरिका रिटर्न प्रोफेसर हैं, वो क्रम रबर को खूब गाली देते हैं,
बैन कर दो और ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन इज वेरी गुड, बट प्लांट से लाइए, रिफाइनरी से यूज करिए। हमारे पंजाब के कुछ भाई फंस गए थे बुरी तरह जब नया नया क्रम रबर आया था, दे ट्रीटेड इट एज ऑर्डिनरी बिटुमिन। टेम्परेचर को मेंटेन करके काम करना पड़ता है और उसको रीहीट मत करिए, प्लांट से आया सेम टेम्परेचर में रोल करके ख़त्म कर दीजिए या इन सीटू यूज करिए, बट डायरेक्ट क्रम रबर इज नॉट बैड। हम लोग ये जो आपके हैं गैप ग्रेडेड में 20%+ CRM भी यूज़ किए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी एरिजोना एंड टेक्सास IIT खड़गपुर साथ थे, डंकुनी खड़गपुर सेक्शन में डाला गया, उसके बेस परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ये GGRB बनाया गया। नाउ क्विकली नेक्स्ट, BC विथ मॉडिफाइड बाइंडर्स इज वन। देन मॉडिफाइड बाइंडर में और कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट सी दैट फेस सेपरेशन वगैरह नहीं होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, वहाँ पे भी गुरुजी हमसे एग्री नहीं किए, देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, वन इज इलास्टोमर, वन इज प्लास्टोमर। आप अगर SBS यूज करेंगे इलास्टोमर है, आप कोड चेक करिए, उसका मॉडलेस वैल्यू गिरा हुआ है, 1700 ना 1800 भीतर कितना दिया है, समथिंग लाइक दैट। बट हो क्या रहा है, डिज़ाइन में 3000 स्पेसिफाइड है, आप जहाँ इलास्टोमर यूज़ करेंगे डिज़ाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर प्लास्टोमर यूज़ करेंगे, प्लास्टोमर से आपको 3000 के ऊपर आराम से आ जाएगा, एंड उसको यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफाइड बाइंडर्स प्रेफर करते हैं, एक चीज़ है लाइफ ज़्यादा है कन्वेंशनल बिटुमिन के साथ। एक और चीज़ है 20 MSA to 50 MSA VG40 बिटुमिन बोल रहे हैं, हम एक्चुअली 3 केसेस अभी हैंडल कर रहे हैं VG40 यूज़ करके रटिंग आया है, जो विदुर जी बता रहे थे सीवियर रटिंग आया। VG40 का सॉफ्टिंग पॉइंट 53 है, पेमेंट टेम्परेचर 62-64 जा रहा है, वो बेचारा क्या करेगा बिटुमिन। इसीलिए हम लोग एक टाइटन बोल के एक होता है, उससे काट के जस्ट वन लेन काट के रेकमेंड किए डालेंगे कि नहीं, बट एक दो जगह डाले हैं वो सक्सेसफुल है, संबलपुर बड़गढ़ ये सब सेक्शन में रटिंग आया था, ओनली वन लेन काट के उसको टाइटन 1.5% विथ सुपर फॉस्फोरिक एसिड 0.3, 2 घंटा उसको घोल देते हैं, तो दैट इज़ वर्किंग। सॉफ्टनिंग पॉइंट कम्स टू 65-66 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्टेबल है। नॉन नेशनल हाईवेज में लेस देन 20 MSA। अब एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, कोर्ट में 20 MSA तक 80% रिलायबिलिटी इक्वेशन है, 20% MSA के ऊपर 90% वाला लेना है। पुराने कोर्ट में 30 MSA तक 80% रिलायबिलिटी के इक्वेशन को एक्सेप्ट करें, ये दिस चेंज रिमेंबर, डोंट मेक दैट मिस्टेक। अच्छा, थिन बिटुमिनस जो है वो सेम है एज पर द ओल्ड कोड, दीज आर द कोड्स, एंड SMA वगैरह बहुत हेल्पफुल है। SMA में एक चीज़ याद रखिए, फाइबर जितना परसेंट कोट बोल रही है उसी को फॉलो कर रही है, बिटुमिन कोटेड कोई बोलता है मीन्स बिटुमिन का इज ऑक्यूपाइंग पार्ट ऑफ दैट फाइबर, कम फाइबर जा रहा है, इसको नोटिस करिए। तो टेक जितना फुल कमेंट रिकमेंडेड है, कोई कहता है दिस इज बिटुमिन कोटेड, तो उसके अंदर का फाइबर कितना है उसका अकाउंट फॉर कर लिए, नहीं तो आपका फेलियर होगा। ये स्टोन मस्तिष्क के ऊपर मैं डिटेल बोल रहा हूँ, ये अलग अलग का ऑलरेडी विदुर दिखा चुके हैं, इसको जो जैसा सर्फेसिंग है उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट VG ग्रेड यूज़ करिए। मैस्टिक एसवर्ल्ड ठीक है, लो टेम्परेचर रीजन्स में आप पुराने ज़माने का जो 80-100 बिटुमिन था VG 80 उसको यूज़ कर, लेह लद्दाख में वही यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अलग अलग टेम्परेचर दिया रहता है, बट हमारे लिए 35 डिग्री वैलिड है,
हमने खैर विदुर ने बहुत दिखाया, हमने देख रहा था मैं पुराने जो दो तीन इशू पहले मैंने कंट्री को चार भाग में अलग अलग टेम्परेचर सीजन में कर दिया। आईआरसी में बहुत पंडित रोते हैं ना, तो रिजेक्ट हो गया। तो नो देर शुड बी वन यूनिफॉर्म। अब आप बताइए इंडिया में क्या यूनिफॉर्म क्लाइमेट है, तो वो कभी कभी ना आईआरसी में मुश्किल हो जाता है। वी आर पार्ट ऑफ द ग्रुप बट इतने लोग हैं कि आप सेम नहीं मेंटेन कर सकते। अमेरिका में एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स ओन कोड। आपके अब आपको ऑस्ट्रेलिया से ही बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अलग 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 कोड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, फायदा रहता है, हम अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाइंडर चूज करेंगे, ग्रेडिंग पकड़ेंगे, ये फायदा है। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट मॉडलर्स स्नोबाउंड एरियाज के लिए जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको मानना, ये अलाउ किया है आरसी 37। मैक्सिमम जो डीबीएम बेसिंग विद अनमॉडिफाइड वो वैल्यूज दिए हुए, और बीसीएन डीबीएम का सेम वैल्यू लेते हैं ये कन्वीनियंस के लिए। एक चीज मैं बता दूं, गुरुजी लास्ट बोलते थे हमको, हमारा जो आरसी 37 है 5 लेयर के लिए मोर और लेस एक्यूरेट है। 6 लेयर पे जाते हैं तो थोड़ा जो इक्वेशंस यूज किए उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट इतना ज़्यादा इनएक्यूरेट नहीं होता। कुछ हद तक आप हाथ पैर मार सकते हैं, उसके बाद गड़बड़ होने लगता है। मुझे इक्वेशंस यूज किए उन्होंने, पॉइजन रेशियो देखिए इन लोगों ने अलग अलग, जैसे सीमेंट ट्रीटेड बेस का 5000 लिया है। एक्चुअल जो आता है लैब में यूसीएस निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई करके यूसीएस को उसका 20-30% ले लीजिए, वॉट एवर वैल्यू यू गेट यू यूज फॉर डिजाइन। अब देखिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मॉडलर दे दिया। जहां आप सीमेंट या केमिकल स्टेबलाइजेशन करेंगे तो मॉडलर्स वैल्यू 0.25 लेना पड़ेगा। सीटीबी का अनबाउंड सीटीएसबी का 0.35, ठीक है ना। अब देखिए आई हैव जस्ट टेकन वन कैटेगरी CBR5। CBR5 में सी की काफी ज्यादा थिकनेस, टोटल थिकनेस इज कमिंग टू 600। अब इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल वेस्ट हो रहा था, इसीलिए हम लोगों का ध्यान गया हाउ अबाउट स्टेबलाइजेशन। और जब स्टेबलाइजेशन किया था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन विद इन द कमिटी इटसेल्फ। दे सेड स्टेबलाइजेशन, तो एक बोले कि चाइना में खूब फेलियर हुआ है, एक बोले फलाना जो जहाँ गया था वहाँ पे फेलियर हुआ, ये हुआ वो हुआ। आज हमारे सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे श्रीलंका में जो एयरपोर्ट रोड बता रहे थे वो, मैं श्रीलंका में 4-5 बार जा चुका हूँ, वो रोड रियली अच्छा है, चाइनीज इंजीनियर्स लोगों ने बनाया, चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर है, और वो टोल रोड है बट इट इज सुपर। वो जो बोल रहे थे पानी नहीं गिरा फैक्ट है। तो खैर हमारे कंट्री में भी ऐसे रोड्स हैं वो बता रहे थे, तो वी कैन डू अ गुड जॉब, ऐसा कुछ नहीं। तो पर इसका थिकनेस अगर हम लोग 600 दें, वी आर रियली नॉट डूइंग जस्टिस। अब इसमें देखिए जहाँ हमने स्टेबलाइजेशन कर दिया ये गिर के मैक्सिमम 500 तक आया, फॉर सेम CBR आई एम टेकिंग ओनली CBR5। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे 400 कुछ हो गया, हमने CTSB और रैप यूज़ किए। रैप क्यों यूज़ करेंगे, रैप में हमको वाई शुड बी वेस्ट अ माउंटेन ऑफ रैप, कितना मटेरियल। एंड अशोका कहती है मेरा मेन प्रॉफिट तो रैप से आता है, रैप को यूज करिए, कोई नहीं मना कर रहा है। 6.3 डाउन उसको हटा दीजिए, देन यू विल सी द मैजिक इन रैप। कोई चोकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज चार्ट्स बने हुए।
फिर CTSB एक और कॉन्सेप्ट है, स्टेबलाइज बेस को कर दो, ऊपर ग्रैनुलर कोर्स जैसा है जो मैं बता रहा था अशोका बिल्डकॉन ने जो किया है, स्टेबलाइज किया बेस को, सब बेस को, बाकी ऊपर ग्रैनुलर डाल दिया, दिस द अदर वन। अब मैं डिटेल्स में आ रहा हूँ, रैप हिस्ट्री क्या है, रैप को कैसे यूज कर सकते हैं, ये इलिनॉय का डॉट स्पेसिफिकेशंस है, और फिर पोटेंशियल चेंजेस, व्हाई यूज रैप। रिक्लेम बिटुमिनस मटेरियल बोलते हैं हम इसको, एग्जिस्टिंग रिमूव्ड रीयूज, ये मिलिंग द अपर लेयर रिप्लेस विद अ न्यू पेवमेंट, फुल डेप्थ रिमूवल जहां हो रहा है वहां भी पहाड़ बन रहा है। टिपिकल बिटुमिनस मिक्स में कितना होता है, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, रोड फेल हो गया, सरफेस बिल्कुल फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, 75% गुड क्वालिटी एग्रीगेट है उसमें, 95% माई हिंदी इज वीक, तो 95% गुड क्वालिटी, 5% बाइंडिंग मटेरियल फेल हुआ है, और ये जो 5% 95 है, ये अनदर 20,000 साल कुछ होने वाला नहीं है, आप समझे, तो दैट इज वाई रिड्यूसेस कॉस्ट, सारे रिड्यूसेस एस्फल्ट डिमांड, तो इसको जरूर यूज करिए, 1915 से यूज हो रहा है हमारे कंट्री में, तो अब यूज हो रहा है, ऑयल एम्बार्गो हुआ, मिलिंग मशीन्स आ गए, अब इंडिया में करीब 600 मिलिंग मशीन्स हैं, तो देर इज नो शॉर्टेज, अब धीरे धीरे अब बिट भी कॉम्पिटिटिव बिट हो रहा है, जब हम रैप को यूज कर रहे हैं 4x6 लेनिंग, वाई नॉट मिलिट एंड रिलेट, आप रैप को बेस में यूज कर सकते हो, फिल में, शोल्डर्स में, एली में, हर तरह के यूज कर सकते हैं। करंट यूजेज रैप को हम लोग GSB में थोड़ा बहुत यूज करें, बट इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट, नेशन वाइड कुछ स्टेट्स हैं जो कहते हैं रैप इज इन ग्रैनुलर इज क्रिमिनल वेस्ट, बट हमारे कंट्री में इतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को RBM में यूज करने बोलेंगे, धीरे धीरे परफॉर्मेंस इज एज गुड एज वर्जिन मिक्स, और रिक्वायर्स प्रॉपर टेस्टिंग, और इंडिया में बहुत रैप यूज हो रहा है, काफी क्वांटिटी में यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेस, इंटरमीडिएट सब जगह यूज हो रहा है, आई नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। लिमिटेशंस क्या है, क्वालिटी कंसिडरेशन जरूर है, लोग यहाँ जैसे झोंक रहे हैं रैप GSB एंड WMM में, ऐसा मत करिए, प्रोसेस करके डालिए। ड्यूरेबिलिटी तो मिक्स के बारे में सोचते हैं, स्टिफनेस द बाइंडर क्या है, यूज विद पॉलीमर्स, एवरीथिंग इज देयर प्रोवाइडेड, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इज एक्सरसाइज। अब कॉन्ट्रैक्टर काट के उसको ट्रक में डालता है, ये पूरा रैप को पहाड़ बना के छोड़ दिया, चंक्स में भी लोग कलेक्ट कर रहे हैं आजकल, रिजेक्टेड मटेरियल ऐसे भी फेंकते हैं इंडिया में, आफ्टर प्रोसेसिंग दिस इज द वन, दीज आर ऑल इन अशोका साइट्स। ये अमेरिका का फोटोग्राफ है, ये देखिए अलग अलग साइजेस में करके जमा कर रहे हैं, पहाड़ बना हुआ है। अब ये देखिए ये सब मिलिंग कर रहे हैं, मिलिंग का क्या, अंडरपास जो आजकल आ रहा है दिल्ली में, कई जगह होता है ट्रक फंस गया फ्लाईओवर के नीचे, अनलेस यू गो ऑन मिलिंग द टॉप पोर्शन देयर इज नो क्लियरेंस, मिलता नहीं है, तो इसलिए मिल करना जरूरी है। अभी देखिए अशोका का एक प्लांट यहाँ जमा कर रहे हैं, इधर देखिए अशोका प्रोजेक्ट सब है, ये इन लोग स्क्रीन करके अलग अलग साइज, दिस इज इन चंडीगढ़ लुधियाना, या बार बार कर आप यूज कर रहे हैं, आप लोग देखा ही है, नैयर से मिली, ये तो प्रोजेक्ट है, ये देखिए अलग अलग साइज में इन लोग क्या कर रहे हैं, VSI क्रशर में डाल के अंदर नहीं जाने दे रहे, बाईपास कर रहे हैं, आई शो यू द डिटेल्स, ये देखिए अलग अलग साइज में VSI है, ये देखिए इसको बाईपास कर दिया,
हाँ क्रशर में नहीं जाने दे रहे, बट वो मशीन चल रहा है ना तो अलग अलग साइज में वो चला जा रहा है। तो इनको पूरा स्टॉक पाइल करके RBM के स्टॉक पाइल मिलिंग जॉब्स बाय साइज फ्रैक्शनेटेड अवॉइड कंटेमिनेशन कीप द RBM ड्राई रखें। तो अभी हम लेटेस्ट कोड हम लोग इस काउंसिल में निकल रहा है, रैप में जब ज़्यादा स्टॉक पाइल हो जाता है पानी आ जाता है, ड्यू गिर रहा है, ओस गिर रहे हैं, तो उसमें वार्म एसफॉल्ट का लिक्विड डालना पड़ता है, इससे क्या होता है स्ट्रिपिंग नहीं होगा और रैप टेम्परेचर गिरा दे रहा है। इसीलिए यू शुड हैव अ विदुर ऑलरेडी बोल चुके डबल बैरल ड्रम होना चाहिए उसमें। ये देखिए ये गलत प्रैक्टिस है, ये अगर कंटेमिनेशन करेंगे तो रैप का वो क्वालिटी नहीं आया। तो रैप में काफ़ी अच्छी तरह उसको मेंटेन करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ रैप। इट इज़ ऑल्सो हॉट मिक्स एसफॉल्ट कंपोनेंट, आप उसमें भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अप टू 30% अलाउ करती है, बट देर आर कंपनीज विच आर यूजिंग राइट अप टू 50%। अभी मैं खुद IRC फ्लेक्सिबल पेमेंट कमेटी में बोला भाई बढ़ा दो BC में, नोबडी इज रेडी। चेयरमैन मैंने मेंबर टेक्निकल NHAI वॉज देयर, आई विल नॉट नेम हिम, ही ऑल्सो डेड नो, आई विल नॉट अग्री, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फियर फैक्टर है। तो DBM में तो आराम से आप 30% तक यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेशन वाइड यूसेज वेरी, दैट्स ऑल। हम खाली नेक्स्ट हम जा रहे हैं इनटू स्टोन मैस्टिक एसफॉल्ट। अब ये कोर्ट में एक दे दिया कि आपने डिज़ाइन कर दिया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, उसके बाद ऊपर में आप कोई भी लेयर वेयरिंग कोर्स में डाल सकते हैं, दैट इज़ नॉट एडेड एज अ स्ट्रक्चरल लेयर। जो ऊपर का सरफेस लेयर उसको मिलिंग करिए, डालिए, कुछ करिए। तो ऐसे में अगर डालना है एज अ वेयरिंग कोर्स डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऐसे में सेक्शन इन इंडिया है। ये ऐसे में होता क्या है, गैप ग्रेडेड है, ये आपका स्टोन ऑन स्टोन है, बीच में फाइनर एग्रीगेट्स सेल्यूलोस फाइबर। एक चीज याद रखिए, सेल्यूलोस फाइबर आपका स्ट्रेंथ ऐड नहीं कर रहा है, सेल्यूलोस फाइबर इज जस्ट कीपिंग द बाइंडर इन प्लेस। प्लांट से जब आता है ड्रेन डाउन होने लगता है, अगर क्योंकि बहुत कोर्स है, 5.5 के ऊपर बिटुमिन है, वो तो नीचे बह जाएगा, उसको रोकने के लिए। और एक बार जब आप उसको प्लेस कर देंगे तो लेयर बाय लेयर बिटुमन को फाइबर रख देता है, उसको मूवमेंट नहीं होने देता। तो दैट इज़ द रीज़न फाइबर का रिक्वायरमेंट है, फाइबर कोई स्ट्रेंथ नहीं ऐड करता, स्ट्रेंथ आता है स्टोन ऑन स्टोन। मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल बिटुमिनस कॉन्क्रीट में ऐसा होता है, इधर स्टोन ऑन स्टोन टच कर रहा है, इसमें 6-7% PMB यू कैन यूज, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू यूज मॉडिफाइड बिटुमिन फॉर, मस्ट यूज मॉडिफाइड बिटुमिन फॉर दिस थिंग, ऐसे में बेटर है, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड और कोई रटिंग पटिंग कुछ नहीं होगा। लोग घबराते हैं इसको यूज करने में। हम लोगों ने दिल्ली के पास कराया था रैप विथ CRMV, वर्क्स वेरी गुड दिल्ली मथुरा रोड में। वहाँ क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने उतना क्वांटिटी ऑफ CRMV खरीदा ही नहीं, खरीद के बाद में उसको झोंकने लगा 60-70 बिटुमेन। तो सी इफ यू मिसयूज अ टेक्नोलॉजी इट विल फेल। ये देखिए SMA का और डेंस मिक्सर्स का ये फर्क है, ठीक है। आई विल क्विकली नाउ स्विच ओवर। SMA फिल्म थिकनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब की नया जो मिक्स डिजाइन का कोड में उसमें फिल्म थिकनेस नॉर्मली 8-11 माइक्रॉन्स होना चाहिए, इस केस में बढ़ जाएगा फिल्म थिकनेस। फिल्म थिकनेस जहाँ कोटिंग आ जाएगा और आपका ब्लीड नहीं करेगा वो सरफेस, उसमें क्या होगा ड्यू अनलिमिटेड लाइफ पर आपका परपेचुअल पेमेंट में रैप विल वर्क वेरी वेल। रैप बोल रहे हैं SMA विल वर्क वेरी वेल। अब तो कल ही एक कोई आया था सज्जन हमसे मिलने, परसों की बात है, रैप DBM में यूज़ करना चाहते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट
भारत माला में ऐसे में हम देर रेडी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू यूज SMA एंड DBM ऑल्सो फाइबर्स देखिए ऐसे फ्लोट करते हैं उसके अंदर दैट इज द स्टोरी इसको भी खत्म करें हैवी लोडिंग ग्रेडिंग इसका 45 to 75 आप डाल सकते हैं माइंडर कोर्स में इट इज ऑलरेडी देयर इन द कोर्ट सो यू नीड नॉट वरी ये आप दिखा चुका ऑलरेडी स्किप ये देखिए ये मुकरबा चौक दिल्ली PWD लोग थोड़ा नॉटी होते हैं कोई नया प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो ठोक दे CRA वाले फंसेंगे हमें क्या है ट्रायल मुकरबा चौक एवरी ईयर गड्ढा बन जाता था हम भी बड़े डरे हमने कहा यही मिल रहा है आप तो ये बेचारा मर जाएगा हमारे साइंटिस्ट को बोला हमको आइडिया नहीं था ये 8-10 साल ऐसे ही इस कंडीशन में रहा ये पुराना फोटो है इज दैट मुकरबा चौक विथ SMA फैंटास्टिक इसके बाद फोटोग्राफ हमने काट के रखा ज़्यादा नहीं डाला अच्छा स्टेबलाइजेशन वाई स्टेप टू स्टेबलाइजेशन हम बचाना चाहते हाउ मच टाइम डू हैव और 10 मिनट 5 मिनट्स आप विदुर को एक्स्ट्रा टाइम दे दो विदुर ही इज योर फ्रेंड नो नो आई एम जोकिंग ओके आई जस्ट कंप्लीट हमारा थोड़ा 10 मिनट चाहिए आप थोड़ा बेयर करिए भूख लगा आई कैन अंडरस्टैंड हाँ स्टेबलाइजेशन जो है लीगल रेस्ट्रिक्शंस आजकल क्वेरिंग में हरियाणा में काफ़ी बैन है सब जगह बैन है राजस्थान से ही आ रहा है मटेरियल कुछ इवन आगरा UP चारों तरफ बैंड है क्वेरिंग कर ही नहीं पा रहे तो ये सब उधर से आ रहा है आपका तो अब मार्जिनल एग्रीगेट की तरफ वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट पर स्टेबलाइजेशन यू कैन डू विद मार्जिनल एग्रीगेट कोई दिक्कत नहीं है बहुत तरह के स्टेबलाइजेशन कल ही निकलने के पहले एक मेरा मीटिंग था वो आपका बिटुमन स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं इंडिया में बिटुमन कोई केमिकल है उसका और उसमें बिटुमन बहुत कम लगता है और ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रशियन कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है दे डू अप टू 150 mm स्टेबलाइज्ड लेयर उसमें बिटुमन कम है बहुत फ्रैक्शन है तो अलग अलग फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन ये अशोका मैंने बोला 2% सीमेंट 2% फ्लाई ऐश डाल के दे आर गेटिंग एक्सट्रीमली गुड मैंने सब बेस के लिए तो मीट कर रहा हूँ सीमेंट का एडवांटेज क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है बट परमानेंट सॉल्यूशन है वेरी यूजफुल फॉर लूज सॉइल नॉन कोहेसिव सॉइल्स में अच्छा काम करता है डिसएडवांटेज क्या है कॉस्टली कॉम्प्लिकेटेड है नॉट यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक क्लेज एक्सपेंसिव क्लेज श्रिंकेज क्रैकिंग दिस इज द हेडेक आई वाज टॉकिंग अबाउट अब ये देखिए पेवमेंट लाइफ साइकिल रिड्यूस मॉइस्चर इन्फ्लुएंस ऑन पेवमेंट ये नॉन स्टेबलाइज है इसमें पानी घुसता रहता है स्टेबलाइजेशन में परमेबिलिटी ऑलमोस्ट रोक देता है बहुत मिनिमम अलाउ करता है तो पेवमेंट बहुत स्ट्रांग साउथ अफ्रीका में हम प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया जा रहे थे बड़े बड़े ट्रक्स 80-60 ton ट्रक्स जा रहे थे हमने तब मेरा नॉलेज कम था आई शुड कन्फेस कि स्टेबलाइजेशन है क्या ये बोला दिखा ही नहीं इंडिया में तो वो बोले देयर इज सीमेंट अंडर द पेवमेंट हमने ये क्या सीमेंट की बात कर रहा है हम आके पढ़ाई लिखाई करने लगे तब पता लगा साउथ अफ्रीका बहुत आगे है दे यूज स्टेबलाइज बेस एंड सब बेस और उसके ऊपर क्या करते हैं फोम बिटुमिन से चला के उसके ऊपर चिप स्प्रेडिंग कर देते जस्ट सॉल्व और वो 80 ton वाले बड़े बड़े ट्रक्स ले रहे हैं कोई क्रैक नहीं अगले 2-4 साल बाद फिर जब क्रैक करते हैं फिर फोम बिटुमिन से करके चिपिंग्स डाल के फिर चालू एंड दैट इज ऑलमोस्ट व्हाट यू कॉल परपेचुअल पेवमेंट इट इज वर्किंग सुपर
ये परमेबिलिटी रिड्यूस कर देता है सिग्निफिकेंट और मेंटेन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेबलाइजेशन. और एक चीज है स्टेबलाइजेशन में, इंडिया वाले सब आंख बंद करके करते हैं. केमिकल स्टेबलाइजर्स आ गए मार्केट में हजारों. ड्यूरेबिलिटी जरूर टेस्ट करना, वेटिंग एंड ड्राइंग टेस्ट. वो कोड IRC 89 Part 2 में आ गया है, वो आप लोग उसको करिए. वेटिंग एंड ड्राइंग और फ्रीज एंड थॉ, ये दोनों जरूर करिए. एंड व्हाट आर द लिमिट्स, ग्रैनुलर का 4% के अंदर आना चाहिए. कोहेसिव साइंस अगर स्टेबलाइज करें 7, बेस का 20%, सब बेस का 30, शोल्डर मटेरियल के लिए लेस देन 30 होना चाहिए. तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जरूर कराइए आप लोग. लो स्ट्रेंथ बेस अगर हो, माइन क्रैक्स बीटी, ये फाइन होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वाटर. हाई स्ट्रेंथ सीमेंटेड वाइड क्रैक्स डिवेलप करेगा. सीमेंटेड ये सब अलग अलग जगह सीमेंटेड परफॉर्मेंस. ये कृष्णागिरी ट्रपुर घाट में काम हुआ है तमिलनाडु में, बहुत अच्छा है. FWD एंड बेंगलुरु न्यूज है. अहमदाबाद उदयपुर में जामनगर रिफाइनरी में ये सब जगह सब काम हुआ है, बहुत अच्छा चला है. अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस वे में कई जगह स्टेबलाइजेशन हुआ है. देन अच्छा मनोहर चित्रदुर्ग दुर्बल हाजिंग पौनी रियासी पौनी कुछ जगह बाद में फेल भी हुआ है. हम नहीं कहते ये सब परफेक्ट है. सीमेंट कंटेंट 4-6% यूज हुआ था, वही मैं बोला ना आपको, ये किया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, अच्छा चला है. हाँ नहीं अब बाद में हुआ है, श्रीनगर वाला क्रैक किया है. ये रोटावेटर से कर रहे हैं हम, एक एस्फल्ट जिपर होता है अलग अलग, ये मिलिंग हो गया, ये एक स्टेयर मशीन है, इससे भी कर सकते हैं. स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये स्टेयर इक्विपमेंट है. ये स्टेयर से देखिए, स्टेयर में एडवांटेज क्या है, विडगन का खुला है तो बहुत पे डस्ट पोल्यूशन होता है. ये स्टेयर अंदर चला जाता है, अंदर ही पूरा कार्रवाई करता है. और पीछे एक ड्रम है, ये पीछे वो है, इसमें सीमेंट भरा रहता है. सीमेंट डीप टक सीमेंट और केमिकल स्टेबलाइजर कुछ भी डालिए करके मिक्स कर देगा. स्टेबलाइजर बिफोर कंपैक्शन ये लगेगा, रोलर से कंपैक्ट कर दीजिए. बहुत सुंदर, ये नेशनल हाईवे का ये प्रोजेक्ट है रुड़की के पास. ये देखिए कुछ नहीं है, ये हार्डली पुट है. कन्वेंशनल इतना मोटा आ रहा था, स्टेबलाइज करके बहुत थिक RBI से किया था, बहुत थिकनेस कम हो गया. ये रुड़की के पास है. WMM प्लांट से आप लोग कर सकते हैं. ये नेशनल हाईवे एप्लीकेशन हुआ है नेशनल हाईवे के ऊपर. WMM प्लांट से भी आप स्टेबलाइजेशन में मिक्सिंग कर सकते हैं. ये रोटावेटर से भी आप कर सकते हैं, डाल के बैग्स को डिवाइड करके कितना परसेंट जाएगा बेस्ड ऑन द एरिया. ये अलग अलग स्टेट्स में, ये कुछ ये जम्मू PWD का हुआ था काम. ये सबसे मजेदार है, ये दिस वाज एट सूरतगढ़ डेजर्ट. यहाँ का बालू का ढेर इधर जा रहा है, वहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन इज वर्किंग. ये आर्मी कैंप है तो फोटो हम लोग ज़्यादा नहीं ले पाए, उनको कैमरा दे दिया था, उन लोग लिए फोटो दिए. दिस द राजस्थान में वही आर्मी कंटेनमेंट एरिया है. ये देखिए, ये भी एक हिमाचल में स्नो बाउंड एरिया में है. PQC के अंदर ये जो आपका बेंगलोर के आगे कौन सा है, इट्स अ प्राइवेट रोड बेंगलोर के बाद ही, तो उसमें भी सब बेस में आप स्टेबलाइज कर सकते हैं. आपका जो DLC के जगह यू कैन यूज दिस. ये कई कोल्ड रिसाइकलिंग में आ जाइए. कोल्ड रिसाइकलिंग इज अ वेरी सेफ
फोम बिटुमिन से करिए, इमल्शन से करिए. दीज आर ऑल आउटकम ऑफ इंस्टीट्यूट स्टेबलाइजेशन रिसाइकलिंग. ये बिटुमिन टैंकर है, ये पानी का टैंक है. इधर से आपका डिपेंड व्हाट यू आर यूजिंग. इन प्लांट भी हो सकता है, इंस्टीट्यू भी कर सकते हैं. ये देखिए इसका कंडीशन बिफोर रिसाइकलिंग ये था, क्रस्ट का ये अलग था. अब रिसाइकलिंग किया. ये गुब्बी के पास बेंगलोर टुमकुर वाला सेक्शन है, ये पूरा रिसाइकलिंग किया हम लोगों ने. इंस्टीट्यूट मिक्स पूरा ब्यूटीफुली हुआ एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एज रॉक इवन टुडे. तो इंस्टीट्यूट रिसाइकलिंग स्टेबलाइजेशन, ये कॉम्पैक्शन हो रहा है. इसमें 4% डाला था स्टेबलाइजर आफ्टर कंप्लीशन. 2 महीने के बाद ये सेक्शन था. ये अभी 7-8 साल हो गए इसके. इट्स वर्किंग फैंटास्टिक. एग्जिस्टिंग पेमेंट कंडीशन ये था. ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी के सामने है. दिस एसफॉल्ट ज़िफर केम कुछ दिन के लिए. दे वर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट, तो वी हैव टू विदड्रॉ. तो एनीवे थोड़ा सा सेक्शन किया है मिल करके. अब उससे भी मिक्स कर सकते हैं. कॉम्पैक्शन किया कि ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी के सामने कोई जाए तो देख सकते हैं. ये स्टेप कॉम्पैक्ट रिसाइकिंग सब इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद ये सरफेस आ रहा है. अब देखेंगे फाइबर्स टिक आउट करना है. ये SDBC उसके ऊपर डाल दिया प्राइम करके. सो दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज हॉट इन प्लेस. लास्ट पार्ट ऑफ माई लेक्चर, इंस्टीट्यूट रिसाइकलिंग, हॉट इंस्टीट्यूट रिसाइकलिंग कर सकते हैं. माटेक बोल के कंपनी, उन्होंने उनका भी प्लांट है. इंस्टीट्यूट चलता रहता है दिल्ली में. आप पास खड़े रहिए, आपको धुआं नहीं मिलेगा. जीरो पोल्यूशन, दैट्स वेरी इको फ्रेंडली. तो ये सब कोर्ट ने अलाउ कर दिया. यू कैन यूज ऑल द टेक. पहले हम लोग वेर आर द स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन होता था. IRC 120 आने के बाद और ये IRC 37 आने के बाद यू कैन यूज एनीथिंग. कोई नहीं रोक रहा. ये पहले मेन उसको गर्म हीट से नरम कर देते हैं बस. ये माटेक रिसाइकलर है. गुजरात वडोदरा हलोल में भी यही काम हुआ है. BC कार पट्टी में कर रही हूँ. बहुत अच्छा चल रहा था. कोल्ड रिसाइकलिंग, ये फोम बिटुमिन से हुआ है. हैदराबाद में हुआ है. फिर दिस इज वाइडनिंग ऑफ डंकुनी खड़गपुर. अब तो ओवरले हो गया. ये आपका गुजरात में काम चल रहा था. अभी देखिए हैदराबाद में काम चल रहा है. ये 1 साल बाद ये कंडीशन बहुत अच्छा है. स्ट्रैंड रोड कैलकाटा में भी काम किया था. NH6 में काम किया था. 2% इमल्शन, 2% सीमेंट, 2% वाटर. NHAI का प्रोजेक्ट. थैंक यू. Any question? I will answer after.